वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकटॉक पे। आज हम एक और कंपैरिजन आपके सामने लेके आ चुके हैं। एक तरफ है यहाँ पे मीवी के नेकबैंड्स और एक तरफ है यहाँ पे पीट्रॉन के नेकबैंड्स। देखेंगे दोनों में से कौन से नेकबैंड्स बेटर हैं और दोनों ही सेम प्राइस सेगमेंट में आते हैं। ऑल दो मैंने दोनों ही नेकबैंड्स को 1000 रुपये के अंदर लिया है, तो मैं बताऊँगा क्या कुछ फ्लॉज हैं एक में, क्या कुछ यहाँ पे आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं दूसरे में। तो यहाँ पे मीवी क्लासिक आपको नेकबैंड्स मिलते हैं, 24 आवर्स तक का आपको बैटरी बैकअप यहाँ पे मिलता है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी है 1000 रुपये की रेंज में, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी है। यहां पे आपको टैंगल फ्री वायर मिलते हैं और वायर की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी। यहां पे बहुत थिक वायर दिए गए हैं, साथ में यहां पे जो जोड़ है यहां पे इधर की साइड से वो भी बहुत अच्छी तरीके से आराम से चलेंगे आपके, 1.5 साल 2 साल आराम से चल जाएंगे। अगर आप और अच्छी तरीके से यूज करते हो तो 3 साल आराम से निकल जाएंगे। उसी के साथ साथ ऊपर की साइड में पूरा का पूरा जो प्लास्टिक का नेकबैंड दिया गया, ये भी अच्छी बात है। ये थोड़े से मेरे को बड़े लगे बट यहां पे कोई भी यहां पे वेट नहीं है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इसका, करीब करीब 30 से 35 ग्राम के या इतना ही होगा मेरे ख्याल से। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इसका कैबिनेट है वो इसका प्लास्टिक का दिया गया है, बट अच्छी बात है यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं है उसकी वजह से। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे म्यूज़िक को ऑन ऑफ करने के लिए और यहाँ पे सीरी और गूगल को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग मिल जाता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बैटरी कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो ये था पूरा यहाँ पे इसका बिल्ड। और एक चीज़ और बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो मेन ड्राइवर्स हैं यहाँ पे एल्युमिनियम का दिया गया फिनिशिंग और यहाँ पे आगे की साइड पॉलीकार्बोनेट का यहाँ पे फिनिशिंग है और ये अच्छी बात है। यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है मेरे को बहुत बेस्ट लगी। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे पीट्रॉन की तरफ से जो नेकबैंड आते हैं, यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी फ्लिमजी है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे मीवी। यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया हेडबैंड बट यहाँ पे जो हेडबैंड है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है एज़ कम्पेयर टू मीवी। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो वायर की क्वालिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे इन्फीरियर लगी एज़ कम्पेयर टू मीवी। मीवी की जो वायर क्वालिटी है ज़्यादा बेटर लगी, फ्लैट है और साथ में टेंगल फ्री है। यहाँ पे जो वायर की क्वालिटी है वो थोड़ी सी मेरे को फ्लिमजी लगी और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन होता है वो ज़्यादा बेटर था। यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्टली निकाला गया इधर की साइड से, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग टर्म की ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट बन जाती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ये आपको कैबिनेट मिलते हैं दोनों के दोनों, ये भी प्लास्टिक के बने हुए हैं एज़ कम्पेयर टू मीवी, जो मीवी के भी आपको सेम मिलते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का कंट्रोल मिलता है, साथ में यहाँ पे एक यहाँ पे कैमरा शटर बटन या मतलब आपका जो भी आप यहाँ पे मोड्स को चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी मिलता है, मतलब मेमोरी कार्ड डाल के आप गाने भी सुन सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। उसी के साथ साथ आपको ऊपर की साइड आपको पावर बटन मिलता है, यहाँ से आप सीरी गूगल को एक्टिविटी भी कर सकते हो, म्यूज़िक को प्ले पॉज भी कर सकते हो, यहाँ से म्यूज़िक को चेंज कर सकते हो, माइनस से पीछे वाली ट्रैक जाएगी प्लस से आगे वाली ट्रैक जाएगी और यहाँ से आप वॉल्यूम को भी अप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एडिट फीचर है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड भी आप लगा सकते हो जैसे कि मैंने लगा रखा है यहाँ पे डायरेक्टली, तो ये इसमें एडिट फीचर है, 1000 रुपये की रेंज में आपको मिलता है। अब आते हैं यहाँ पे मेन ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा आपको मेटल का मिलता है ये पूरा का पूरा केसिंग और आगे की साइड से पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे जो मेटल की मैश दी गई ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ये जो आपको कपड़े की जो मैश मिलती है वो इससे मीवी से, तो ये थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा इसमें एज़ कम्पेयर टू मीवी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कोई भी ब्रांडिंग नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको पीट्रॉन की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पे मीवी की ब्रांडिंग इधर की साइड आपको मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी दोनों की सिमिलर है, यहाँ पे 10 मीटर तक की रेंज दोनों में कन्फर्म हो जाती है आपकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आप सभी से म्यूज़िक क्वालिटी की, तो यहाँ पे म्यूज़िक क्वालिटी ऑल एंड ऑल मीवी की ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पीट्रॉन, क्योंकि पीट्रॉन में जो बेस है वो ओवर पारिंग आपको मिलता है, साथ में यहाँ पे जो वोकल्स हैं एकदम क्लियर नहीं नज़र आते, मतलब आप हाई नोट्स पे हल्का सा आपको डिस्टॉर्शन मिल सकता है बट यहाँ पे मीवी में हाई नोट्स पे डिस्टॉर्ट नहीं होते, ओवर पावरिंग नहीं है बेस इसका और वोकल्स एकदम क्लियर सुनाई देते हैं आपको। बट यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्रीमियम अगर मैं हेडसेट से कंपेयर करूँ यहाँ पे, जैसे कि रियलमी जो पुराने वाले बड्स थे उससे कंपेयर करूँ रियलमी बड्स वायरलेस, तो ये थोड़े से इन्फीरियर नज़र आते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा ही है, 700 रुपये ज़्यादा इससे मिलते हैं, तो उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है इससे अगर साउंड क्वालिटी की बात करें। उसी के साथ साथ अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल क्वालिटी ज़्यादा बेटर लगी मेरे को पीट्रॉन की। यस, यहाँ पे पीट्रॉन को अगर मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा तो यहाँ पे मीवी को 10 में से 7 ही नंबर दूंगा, 7 या 6 नंबर दूंगा, तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी मीवी की ज़्यादा बेटर है और कॉल क्वालिटी यहाँ पे पीट्रॉन की ज़्यादा बेटर है। और उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ गेम की लेटेंसी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही मैं रिकमेंड नहीं कर सकता आप सभी को, आप वायर्ड वाले हेडसेट्स यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दीज, इनसे ज़्यादा बेटर रहते हैं वो। और यहाँ पे डेली बेसिस के अगर आप मीडिया कंज्यूम करो तो यहाँ पे कोई भी आपको लैग नहीं मिलने वाला, तो ये अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कॉल्स लेते हो तो सामने वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है सुनने में एग्जैक्टली, तो यहाँ पे दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं अगर मैं एनवायरमेंटल
नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ या CVC नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे सिंगल माइक ही यूज़ किया गया है दोनों में ही, और यहाँ पे माइक्रोएसबी चार्जिंग मिलता है दोनों में ही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। किसी में भी आपको टाइप सी चार्जिंग नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा मेरे को कमी लगी। टाइप सी चार्जिंग अभी 2021 चल रहा है तो टाइप सी चार्जिंग होना चाहिए था, बट यहाँ पे कोई बात नहीं है, मिड रेंज है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगा मीवी की तरह एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे पीट्रॉन, तो डेफिनेटली आप मीवी को एज अ लुक देख सकते हो। बट अगर आपको थोड़ी सी और यहाँ पे फीचर्स चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेमोरी कार्ड का सपोर्ट चाहिए, साथ में यहाँ पे जो बटन है यहाँ पे कैमरा शटर बटन की तरह भी यूज़ हो सकता है, सेल्फी भी ले सकते हो इससे आप, तो ये आपका एडेड फीचर मिल जाता है जो कि मीवी में मिसिंग है, तो ये इसके लिए आप पीट्रॉन को चूज़ कर सकते हो। तो आई गेस मैंने सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे आप सभी के क्लियर कर दिए हैं। अगर आपका कोई डाउट या इशू रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।